नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंचल और इट्स फॉर स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 के 12वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 137 रन ही बना पाई। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम को पहला झटका सुनील नारेन के रूप में लगा। नारेन 15 रन बनाकर जयदेव उनादकट की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद नीतीश राणा और शुभम गिल ने पारी को संभाला। शुभम ने 34 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन की पारी खेली। वहीं राणा ने 17 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 22 रनों की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की। हालांकि 82 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरने के बाद कोलकाता की पारी लड़खड़ा गई। एक समय में कोलकाता ने 115 के स्कोर पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। इस बीच दिनेश कार्तिक 0 और आंद्रे रसल 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इयोन मॉर्गन ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 23 गेंदों पर 34 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मॉर्गन ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। उसके अलावा पैट कमिंस ने 12 और कमलेश ने 8 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने सबसे शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट झटका। इसके अलावा अंकित राजपूत, जयदेव उनादकट, टॉम करन और राहुल तेवतिया को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद 175 रनों का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ही ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ 3 रन बनाकर चलते बने। स्मिथ को पैट कमिंस ने अपना शिकार बनाया। स्मिथ के बाद 30 रनों के स्कोर पर इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन भी केवल 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। सैमसन को युवा गेंदबाज शिवम मावी ने अपना शिकार बनाया। इन शुरुआती झटकों से राजस्थान उबर नहीं सकी और उसने नियमित अंतराल पे अपने विकेट खोए। रॉबिन उथप्पा 2, रियान पराग 1 और पिछले मैच के हीरो राहुल तिवतिया केवल 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। एक समय में राजस्थान ने सिर्फ 42 रनों के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर टॉम करन ने एक छोर संभाला। करन ने 36 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली। करण का आईपीएल में यह पहला अर्धशतक है। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 2 चौके और 3 छक्कों की पारी खेली। दिलचस्प बात यह रही कि करण इस मैच में 50 बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे। हालांकि वो अपनी टीम को जीत के नज़दीक भी नहीं लेकर आ पाए। कोलकाता की घातक गेंदबाजी के आगे राजस्थान के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कोलकाता के लिए उसके सभी गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि सुनील नारेन काफी महंगे साबित हुए। नारेन ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट चटकाया। वहीं पैट कमिंस ने 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया। इसके अलावा शिवम मावी, कमलेश और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले। तो दोस्तों, कोलकाता की जीत में आप सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।